शहर की साफ सफाई सहित कई मांगों को लेकर शिवसेना ने नगर निगम को सौंपा ज्ञापन, इससे हो रही समस्या को दूर करने की मांग। शिवसेना के जिला प्रमुख श्री कृष्ण गुप्ता का कहना है कि नगर निगम के हर वार्ड गली मोहल्ले में चारों तरफ गंदगी व्याप्त है। गंदगी से लोगों का जीना दुश्वार है। बरसात में पानी भरने से कचरा गंदगी सड़क पर फैल जाता है, जिसके चलते स्वरों का जमावाड़ा लग जाता है। सड़कों में गड्ढा खुदा होने की वजह से सड़कों का पता ही नहीं लग पाता। उनका कहना है कि गांधी कॉम्प्लेक्स में सुलभ कॉम्प्लेक्स नहीं है, जिसकी लंबे समय से मांग की जा रही है। यहाँ पर काफ़ी गंदगी रहती है, साफ सफाई भी नहीं होती। शहर में साफ सफाई कराई जाए, जिससे गंदगी ना हो। इन्हीं सब मांगों को लेकर शिवसेना ने नगर निगम में ज्ञापन सौंपा है। भाई साहब, आज हमें नगर निगम में रीवा जिले में जो चारों तरफ इस समय गंदगी फैली हुई है, जहाँ देखो वहीं पे नाली से निकला एक हुआ कचरा पानी के बरसात के बाद लोग घरों में घुस रहा है, रोड में फैला है, हर गली मोहल्ले कूचों में जहाँ से आप निकलेंगे चारों तरफ आपको गंदगी ही गंदगी दिखेगी। वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है। गटर में हर जगह गंदगी है। हर घर में इस गंदगी के कारण कोई ना कोई व्यक्ति बीमार है। आज पूरे रीवा में वायरल संक्रमित है। कहीं भी ना किसी तरह की कोई पाउडर की छिड़काव हो रहा है, ना कोई स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित कोई योजना नगर निगम द्वारा चलाई जा रही है। हालांकि सुनने में तो आता है कि काफ़ी यहाँ पैसा आ रहा है इस तरह से नगर निगम के पास, लेकिन किसी भी पैसे का उपयोग नहीं है। पूरा पैसा यहाँ पे कमीशन खोरी के रूप में जा रहा है और पूरा रीवा नगर निगम क्षेत्र के जनवासी इन समस्याओं से ग्रसित हैं।